अपनी सिक्योरिटी भाई, ये देखो गजब यार। ओ भाई ये भाई अपना विराट कोहली भाई, ये देखो। ओ भाई विराट कोहली भाई, अरिजीत गाना गा रहा है, मैं दिखाता हूँ लाइव आपको। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था, और आज मैं जा रहा हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए। और ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो टीम है वो 7 साल बाद इंडिया आई है। सबसे बड़ी बात, जिस मैदान में हो रहा है वो मैदान बहुत बड़ा मैदान है, 1,30,000 लोगों की गैदरिंग है, और टिकट मिलना इतना आसान है नहीं, आप सबको पता है। अब ऐसे में मैं लकी इंसान हूं, जब ये टिकट मिला तो ये मेरा होटल है जो रमादा होटल है, काफी अच्छा होटल है ये, तो आपको पता है, मैंने इसका टूर दे दिया, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। और अभी जो हम जा रहे हैं, यहाँ से बस आया है जो बस हमें स्टेडियम लेके जाएगी, और पूरा प्रोसेस क्या मैं आपको बताऊंगा, और ये ब्लॉग मैं आज ही अपलोड करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखे, मजा आने वाला है, तो ब्लॉग को शुरू कर। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एरोमेटिक कलर्स। आज ना हम अरबाज भाई के साथ क्रिकेट मैच लाइव देखने चलेंगे। अरबाज भाई ने टिकट लेके आए हैं अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच वो लाइव देखेंगे, साथ में हम भी लाइव देखेंगे। आज छोड़ेंगे नहीं अरबाज भाई को, पकड़ के रखेंगे। ये इनकी कैमरे की आंखों से, इनकी आंखों से और इनके एहसास से हम पूरी तरह आज लुत्फ अंदोज होंगे। आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप स्टेडियम में लाइव मैच देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं अरबाज भाई के पीछे। अरबाज भाई, अरे रुको यार, आ रहे हम लोग भी, कहाँ अकेले अकेले निकल रहे हो? अरे रुका हो, अरे अरबाज भाई सुनते नहीं हो यार, चलो सब। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने होटल के रिसेप्शन में, और ये हमारा रमादा होटल है, काफी अच्छा होटल है, और यहाँ से अभी जो है बस जाने वाली है, और बस में सारे लोग जो है बैठने वाले, आई थिंक लोग बैठने लगे, तो चलो चल रहे हैं। तो भाई ये बस है, इससे हम चलने वाले हैं, तो चलो भाई। कैसे ब्रदर? तो भाई फाइनली हम बस से उतर चुके हैं, और भाई आज की जो भीड़ है ना बहुत ज्यादा है, और भाई स्कैम शुरू। ये हम आए वेलकम पे, ये लगाया इसके, फिर 100 रुपये मांगने लगे, बोले 100 रुपये देने नहीं देने। भाई मैं तो वैसे भी दे देता, लेकिन भाई मतलब समझो नहीं तो, लेकिन भीड़ बहुत है यहाँ। ये देखो भीड़ देखो बहुत ज़्यादा यार। पहले तो मुझे लगा यार कि 11 खिलाड़ी यही जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये एग्जैक्टली खिलाड़ी नहीं है। और भाई हमें टिकट भी मिल गया, टिकट के प्राइस की बताऊँ कितना है, इस पर लिखा हुआ 4500 रुपये। हालांकि टिकट आज के लिए तो बहुत पैसा नहीं भैया, नहीं है आज तो समझो नहीं तो 4500 रुपये इसमें रेट लिखा हुआ है, जिसमें एक्चुअल प्राइस है 3500 का, और 500 का GST, 500 GST का। तो भाई देखो एक सीन दिखाता हूँ आपको, मैंने ना अभी दो विराट कोहली जाते हुए दिखाई दिए, और अभी देखता हूँ ना पीछा करता हूँ यार, विराट कोहली और मैं इस रास्ते से जा रहे हैं, दिखाता हूँ अभी। भाई आप देख सकते हो ये विराट कोहली, और भाई पता है मुझे सुबह लग रहा है यार धोखा, लेकिन जब देखा रहे भाई टी शर्ट पहन रखी है, और पता ज़्यादातर लोगों ने जो टी शर्ट पे जो प्रिंट है वो विराट वाली पहन रखी है या फिर रोहित वाली पहन रखी है। तो आज के मैच का जो भाई क्रेज ही बहुत अलग है, मतलब एक तरह से आज फेस्टिवल समझ लो आप, त्योहार समझ लो। क्या लिखा है विराट? अरे ये बढ़िया भाई, मैं तो शुभम गिल का फैन हूँ, बहुत बड़ा है ऊपर इसका। यार ये कैसा पलटी मार दिया तूने, शुभम गिल का फैन है आप, विराट कोहली लिखवाया हुआ, और भी आपको बर्थडे विश किया था शुभम गिल वही। हाँ यहाँ पर देखो यार कितने सारे विराट विराट विराट, वो भाई अलग ही क्रेज है भाई। ये देखो भीड़ आज अलग लेवल की भीड़ है भाई, ये देखो भाई भीड़ देखो आप मैच का, और क्रेज देखो, ये देखिए अलग ही लेवल पे भाई। तो भाई ये एग्जैक्टली रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ से पैदल जाना है, और पैदल भी काफ़ी अच्छा जाना है आपको, तो ये इसी मैच का क्रेज़ है। और बहुत सबसे बड़ी बात क्या है, टिकट मिल गया भाई, जब टिकट मिला ना भाई बहुत खुशी हुई। टिकट कितने का लिया था तुमने? मैंने 40,000 का लिया था, दो टिकट। झूठ, सही बताइए ईमानदारी से। सही ईमानदारी से 40,000 रुपये का ब्लैक में लिया था। मुझसे ले रहा है 20,000 रुपये का? कितने का एक टिकट ले रहा है? कितने का है? 4500 का है सर। दो अरे नहीं भाई, नहीं। तो भाई अच्छा इतना प्राइस चल रहा है मार्केट में?
इससे भी तीन गुना ज्यादा। अरे भाई 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 भाई, मतलब टिकट ही नहीं मिल रहा, मैंने बहुत मुश्किल से लिया टिकट। हाँ ये तो है भाई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, आगे की भी भीड़ दिखाता हूँ भाई। भाई ये देखो यार, क्रेज यार अलग ही लेवल का भाई। ये देखो, ये देखो भाई, ये है स्टेडियम। ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये देखो भाई क्रेज, ये देखो भाई जबरदस्त यार क्रेज यार। ये आप देखिए भाई, ये देखो इतनी सिक्योरिटी भाई, ये देखो गजब यार। भाई इतनी भीड़, इतनी भीड़ वाकई में मैंने तो नहीं देखी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और भाई सबके सब जो है ब्लू उसमें थे, तो मैंने ये टी शर्ट ले ली 200 रुपए की, इस पर रोहित शर्मा लिखा हुआ भाई, रोहित शर्मा उसे तो मोहब्बत है भाई, आज वो 200 शतक मारने वाला भाई। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और ये स्टेडियम भी मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई, 130,000 लोगों की तो गैदरिंग है इसमें भाई। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं भाई, कई जगह सिक्योरिटी थी, और भाई इतनी सख्ती और इतनी हाइप इस मैच की यार, अलग ही लेवल पे यार। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, मजा आने वाला है। तो भाई विराट कोहली आए हैं और अंदर मतलब ऐसे अभ्यास के लिए आए हुए भाई, पब्लिक ने जब कोहली कोहली बजाया ना, तो ये स्टेडियम सबसे बड़ा, तो भाई जाने में ही मजा आ रहा है। मैं जो एंट्री करनी है वो 140 नंबर से करनी है, जो 140 नंबर देख रहे हैं वहाँ से एंट्री करनी है। चलो वही चल रहे हैं। गाना गा रहा है, मैं दिखाता हूँ लाइव आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिखाता हूँ भाई आपको। और यहाँ पर यार नेटवर्क काम नहीं करता, ये देखो भाई सुखविंदर आ गया, सुखविंदर गाना गाने के लिए, अरिजीत और सुखविंदर, ये देखो अरिजीत और सुखविंदर। दोस्तों पहली बार मैं विराट कोहली को इतने करीब से देख रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको भाई, इतना खूबसूरत आदमी। ये देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये देखो रोहित शर्मा ने कैप लगा रखा है, ये देखो उधर राहुल केएल राहुल, ये देखो ये भाई अपना विराट कोहली भाई, ये देखो ओ भाई विराट कोहली, ये देखो ये है विराट कोहली भाई। भाई भारत तो जीत गया, भारत तो जीत गया, रोहित शर्मा। तो भाई अभी पहली बॉल स्टार्ट होने वाली है, और पहली बॉल करेगा बुमराह। तो अभी पहली बॉल होने वाली है, पहली बॉल स्टार्ट। भाई दूसरा ओवर आ गया, सिराज भाई आ गए बॉलिंग करने के लिए, तो चलो देखते हैं। बॉलिंग 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 बॉलिंग, रोहित शर्मा ने
तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया रूम पर। भाई आते आते ना मैं 10 बज गए थे क्योंकि और आवाज़ भी बैठ गई क्योंकि हमें 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। बट ये ऐतिहासिक मैच का मैं विटनेस होना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास शब्द नहीं थे और स्पेशली हम थक गए थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि नो डाउट विराट कोहली का तो हर कोई फैन है, लेकिन स्पेशली मैं जो गया था वहाँ रोहित शर्मा को सपोर्ट करने के लिए गया था और उन्होंने वहाँ 86 रन मारे। बट बहुत अच्छा लगा, शतक होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन कहते ना शर्मा जी के लौंडे ने रन मारे तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। सबसे बड़ी बात क्या कि भाई टी शर्ट में लगाया था, मतलब मांगी थी रोहित शर्मा की और फिर निकली वो विराट कोहली की, तो चलो मैंने भाई फिर विराट कोहली को सेलिब्रेशन किया जाए। और भाई मैंने एक चीज़ देखी जमीन पर, मैंने वो पहली बार विराट कोहली को जब मैंने जमीन पर देखा ना तो यकीन मानो ये फील हो गया यार कि वाकई में यार उनके इतने फैन क्यों हैं यार। मतलब उनकी फिटनेस देखी मैंने, जब वो पानी पी रहे थे, थोड़ा सा वो कैलरी ले रहे थे, मैंने मतलब वो मतलब खजूर खा रहे थे और जब वो बनाना खा रहे थे ना, तो यार मैंने दिखाया कितने पंचुअल हैं, कितने वो डेडिकेट है अपने काम के लिए, कितने वो उनकी मतलब उनके अगर डाइट है तो उसको कितने प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, ये चीज़ मैंने ज़मीन पर देखी। और मेरे भाई बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं और स्पेशली मैंने देखा इस मैच में भी, जब मैं रील डाल रहा था तो लोग कह रहे थे भाई तू खुश हो रहा है और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल रहे थे। भाई ये लोग टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है चलो मैं किसी जगह के लिए दुआ करूंगा तो मन से तो करूंगा, जरूरी थोड़ी है सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही पोस्ट को बार बार कॉपी पेस्ट करना। कि एग्जांपल अगर फिलिस्तीन और इसराइल के मामले में वो चल रहा है तो उसके बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहा, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और ज़रूरी है कि हर बार मैं दुआ जो है सोशल मीडिया पर रखूँ, मैं भाई सोशल मीडिया पर रखकर ना व्यूज़ और पैसे कमाए जाते हैं और टॉक्सिस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये सड़ुए लोग हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया। चलो मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो दोस्तों आपने पूरा देख लिया, हालांकि रिजल्ट हम लोगों को पहले से पता है कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जीत गई है और पाकिस्तान को तो ऐसा धोया कि दो दिन से आलोक रंजन डीटी रिएक्ट वाले परेशान है जवाब दे देंगे। अब आलोक भाई के साथ भी जरा चलना पड़ेगा, जरा उनके भी साथ थोड़ा सा बर्नौल, कौन सा चिल्ली बर्नौल या सॉल्टी बर्नौल, कौन सा बर्नौल लेके आलोक भाई के पास चला जाए। अरबाज भाई ने तो अपना काम कर दिया, वेरी गुड अरबाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें लाइव मैच दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि अरबाज भाई का चैनल है अरबाज व्लॉग, आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। भाई आपने इस पाकिस्तानी चाचा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि हर पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ये गुजरात आए हुए थे और वहां पर ये जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान के नारे लगाने लगे, लेकिन इंडियंस ने इनकी एक नहीं चलने दी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं।